नमस्कारम मेरे बच्चों, आइए द लास्ट लेसन के फाइनल एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का फाइनल पार्ट शुरू करते हैं। तो हम यहाँ तक हो गए थे बच्चों कि आई वॉन्ट टू बी अ वेरी अटेंटिव, जब एम हेमल ने सबको कहा कि सभी लोग पूरी तरह से शांत रहेंगे और पूरी ध्यानपूर्वक आज ये फ्रेंच का आखिरी चैप्टर हमसे पढ़ेंगे। जब उसने सुना ऐसा, फ्रेंसो ने ऐसा जब सुना कि ये मेरे जीवन का आखिरी पार्ट है, तो बिल्कुल चौंक सा गया। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, ये जो शब्द थे उनके, वो मेरे लिए एक प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कौंच गई हो। थंडर क्लैप मतलब बिजली का गिरना। वो जो शब्द फ्रेंच मैंस के थे, यानी जो एम हेमल जी के, वो मेरे जैसे मैंने सुने कि ये तो आज से मेरे लिए फ्रेंच बंद हो जाएगी, मैं बिल्कुल से चौंक गया। ओह द रिचेस, ओ ये क्या हो गया। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप मी टू टाउन हॉल। अच्छा, तभी उसके मन में क्या आता है कि टाउन हॉल में इसी बारे में लगता है लिखा हुआ था। जो टाउन हॉल था, जब वो स्कूल आते समय देखा था कि टाउन हॉल में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो समझ गया था कि लगता है टाउन हॉल में इसीलिए लोग एकत्रित हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये हमारा फ्रेंच का आखिरी पार्ट होगा। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीखा हूँ, अभी मुझे अच्छे से आता ही नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने अभी बहुत मुश्किल से लिखना बस सीखा है, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने अपने पाठों को अच्छे से पढ़ा नहीं था। फॉर शीकिंग बर्ड्स एग्स, और जब उसको पता चला कि ओ माई गॉड, कल से फ्रेंच पढ़ना बंद हो जाएगी और मैंने कभी भी ध्यान से अपने पाठ को पढ़ा नहीं था। मैं अपना सारा समय फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार मतलब नदी होती है जो कि फ्रेंच में थी, तो फ्रांस में, तो वो कहता है कि मैं कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, हमेशा सोचता था कि बाद में पढ़ लूँगा, और मैंने अपना पूरा समय चिड़ियों के अंडों को गिनने तथा नदियों के किनारे जाकर स्लाइड करने में बिता दी। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो, नॉइसेंस मतलब होता है बेकार की वस्तुएं। मेरी किताबें मुझे बेकार लगती थीं कि इन्हें लाद करके हमें स्कूल जाना पड़ता है, पहले से शो हैवी शो कैरी कितनी बजनी होती हैं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ अ साइंस, मेरी ग्रामर की पुस्तकें और हिस्ट्री की किताबें जिसमें कहानियाँ लिखी रहती साधुओं की, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड गिव अप, अब मुझे इनको छोड़ना पड़ जाएगा, ये मेरी दो पुराने दोस्त की तरह जैसे हो गई थी, अब मुझे इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अप एंड एम हेमल्स टू, इन्हें भी, पुस्तकों को भी और एम हेमल टू जी को भी, टू मीन्स भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके विचार मन में विचार आया दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें कभी दोबारा देख नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब मुझे उनकी याद आएगी कि वो मिस्टर द आइडिया दैट वॉज अ गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी, अब मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा दोबारा, मेड मी फॉरगेट, मुझे सब भूल जाएगा, ऑल अबाउट रूलर, उनकी जो शक्ति थी, वो जो रूल डंडे लेकर के इधर से उधर घूमते रहते थे, जो मुझे डरावना लगता था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, पुअर मतलब गरीब मतलब नहीं, मतलब बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लॉस्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथिस, इसीलिए इस सम्मान के लिए, ऑनर मतलब सम्मान, इस सम्मान के लिए उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन कपड़े को आज पहना है, जिसे फाइन संडे कहा जाता था। देखो बच्चों, फ्रेंच भाषा में फाइन संडे मतलब जो कपड़े आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, उसे ही फाइन संडे कहा जाता था। तो वो आज हरी कलर की कोट वगैरह पहने थे एम हेमल, तो वो उनके बारे में विचार कर रहा है कि बेचारे सर भी हमारे यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए आखिरी दिन के लिए उन्होंने इतना सुंदर कपड़ा पहना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, तब मैं समझ गया था वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वॉज सिटिंग दियर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ चुका था कि गाँव के बूढ़े लोग क्यों उस कक्षा में बैठे थे, क्योंकि ये फ्रेंच का आखिरी पार्ट था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड गॉन
टू स्कूल मोर, क्योंकि वो बहुत क्षमाशील महसूस कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा दिन विद्यालय नहीं गए थे और उन्होंने फ्रेंच कभी भी नहीं सीखी थी। फिर भी आज आखिरी फ्रेंच के लेसन को विदाई देने के लिए वो वहाँ पास उपस्थित थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर्स नो मोर। लेकिन वो वहाँ पास उस शिक्षक को विदाई देने आए थे जिन्होंने उस एरिया के विद्यालय में 40 वर्षों तक 40 ईयर्स तक वहाँ पर पूरी वफादारी के साथ अब फ्रेंच भाषा को सिखाया और उस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में काम किया, तो इसलिए बूढ़े लोग वहाँ पास उपस्थित थे। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं यही सब सोच रहा था, आई हियर माई नेम, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी दोहराने की, रिसाइड मतलब दोहराने की। वाट शुड आई नॉट हैव गिवेन टू बी एबल टू से दैट अ ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थॉट, वुड आई नॉट हैव गिवन, अब तो मेरे पास डर भी नहीं होगा कहने के लिए बिल्कुल भी उस रूल का पार्टिसिपल सुनाने के लिए, और याद तो उनको पहले से था भी नहीं। वेरी लाउड एंड क्लियर, तो वो सोचा कि मैं अच्छे से उस नियम को सुनाऊंगा ताकि पूरे क्लास में लाउड यानी तेजी और क्लियर मतलब साफ साफ सुनाई दे, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती किए हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट लेटर, जब मैं फ्रेंचो कहता जब मैं खड़ा हुआ और सुनाने के लिए कोशिश किया तो मैं पहले ही शब्द में मिक्स हो गया, मिक्स मतलब मिल जाना, जैसे बच्चे करते हैं दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द, ऐसे करके फंस जाते किसी एक वर्ड में, तो उसी प्रकार वो एक ही वर्ड में मिक्सिंग हो गया, रुक गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग्स एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब मैं क्या था कि मैं डर गया था, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं रुक गया था, अपनी जो चेयर थी अपनी कुर्सी थी डेस्क पर बेंच में रुक गया था, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बहुत तेजी तेजी से धड़कने लगा था। आप भी सोचते होंगे बच्चों, स्टूडेंट से अगर टीचर कभी क्लास में पूछ ले और उसको आंसर ना पता हो तो वेरी बहुत तरीके से डर जाता है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़र उठाकर सबको देख सके। आई हियर्ड एम हैमिल्स से टू मी, लेकिन मैंने देखा कि एम हैमिल्स जो शिक्षक थे फ्रेंच के, उन्होंने मुझसे कहा आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड, लेकिन तुम्हें बुरा महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव शेड अवर सेल्फ्स, हम प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है, मैं कल सीख लूँगा, आई विल लर्न टुमारो, मैं कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी वे वी हैव कम आउट, और देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं कि कल से हमारी ये जो चैप्टर है फ्रेंच का ये आज से आखिरी हो जाएगा। आ दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एलएस, एलएस जो कि वो डिस्ट्रिक्ट जिला था जिसको जर्मनी ने जीत लिया था, उसके लिए कितना मुसीबत भरा दिन था। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब देखो जो कल से तुम्हारे पास सिखाने के लिए आएंगे, नाउ दोज फॉलो, वो फेलो मतलब किसी को डांटते हुए कहना होता है कि जो लोग आपको आएंगे अगली भाषा सिखाने, उनके पास दे हैव राइट टू से टू यू, उनके पास एक अधिकार होगा कहने के लिए, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, और तुम्हें तो अपनी भाषा ना तो लिखनी आती है और ना ही पढ़नी, तो वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ फ्रेंचो, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, कल से कल जब तुमको कोई जर्मन सिखाने आएगा तो तुमसे कहेगा कि तुम फ्रेंचमैन अपने आप को कहते हो लेकिन तुम्हें अपनी भाषा लिखनी और पढ़नी खुद आती ही नहीं है, तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपनी भाषा के प्रति, आपको अपनी भाषा तो कम से कम सीखनी चाहिए। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बेकार नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विथ, हम सभी ने गलती की है, हम सभी के कारण तुम्हारा ये हालात हुआ है। Your parents were not anxious enough to have you learn, आपके माता पिता इतने जागरूक नहीं थे या उत्तेजक नहीं थे सिखाने के लिए। They prefer to put you work on the farm at the mills so as to have a little more money, तुम्हें तुम्हारे पिताजी काम के लिए खेतों में भेजते थे, मिल में भेजते थे ताकि तुम कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सको। And मैं अपनी भी गलती देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ एन शेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स लिस्टेड
ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैं भी अपने गार्डन के पौधों को सींचने के लिए तुम्हें भेजा करता था बल्कि कि तुम्हें फ्रेंच का चैप्टर पढ़ाया जाए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। मैं जाता था, जब मुझे मछली मारने का शौक होता था मछली मारने जाता था बिना कोई चैप्टर का लेसन तुम्हें सिखाए हुए। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बताते हैं दुनिया में फ्रेंच लैंग्वेज जो है तो सबसे सुंदर भाषा है। वैसे सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ, फ्रेंच ऐसी लैंग्वेज है दुनिया में दूसरे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला चाइनीज़, सेकेंड फ्रेंच, थर्ड इंग्लिश और फोर्थ हिंदी है। तो हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन ये बताते हैं कि हमारी भाषा सबसे सुंदर है, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। वो कहते हैं कि मेरी भाषा साफ और लॉजिकल, यानी हर विभाग में समझने के लिए एकदम सटीक शब्द हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड मतलब होती है सुरक्षा। तो क्या चाहिए कि हमें अपनी भाषा की रक्षा करना चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव मतलब गुलामी में तभी आता है कोई व्यक्ति, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेजेस इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजंस। वह अगर जो गुलामी सह लिया या गुलामी में आ गया तो वो अपने आप को उस गुलामी की जंजीरों से नहीं छुड़ा सकता अगर उसकी भाषा उसके पास नहीं है। भाषा में अगर उसके भाषा का गुण नहीं रहेगा तो वह उस जंजीरों से अपने आप को उस सजा से बाहर नहीं निकल पाएगा। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। और उन्होंने फिर ग्रामर की पुस्तक निकाली और चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी, अब फ्रेंजो कहता है मैं बिल्कुल से आश्चर्यचकित था। वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे सब समझ आ रहा था। ऑल ही शेड सीम्स सो इजी, जो वो कह रहे थे शिक्षक सब सरल लग रहा था। आई थिंक टू बहुत ज़्यादा सरल लग रहा था। दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, क्योंकि मैंने लगता है पहले से कभी ध्यानपूर्वक पढ़ा ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्लेम्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझे लगता था कि वो इतनी अच्छी तरीके से कभी विस्तारित भी नहीं किए, सारी कुछ चीज़ें मैं पेशेंस यानी धैर्य से सुन रहा था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मुझे लगता था जैसे उनके ऊपर कोई एक दया भावना उत्पन्न हो कि वो जानते थे कि किस प्रकार करके जाएंगे तो इनको सीखने में आ जाएगा, जाने से पहले वो इस प्रकार से पढ़ाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सब बातें मेरे दिमाग में बैठ रही थी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद समय था हम लोगों को लिखने का, अब हमें लिखना था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हैमल जी ने सबके लिए नई कॉपियाँ लाई थी, नई नोट्स बुक, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, उसमें बहुत ही सुंदर राइटिंग ऐसे कर्सिव राइटिंग जिसे कहते हैं उसमें लिखा हुआ था। फ्रांस एलेस फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट था उसको गौरवान्वित महसूस कराने के लिए कॉपी के ऊपर लिखवाया था फ्रांस एलेस, यानी जो एलेस हार गए थे वो फ्रांस का ही हिस्सा है। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब कमरे में सबको अगर कॉपी दे दिया गया तो उस कॉपी से जो सभी बोर्ड जिसके जिसके पास भी जो बच्चे बैठे थे हर तरह वह उड़ने लगा, उसके पन्ने ऐसा लग रहा था कमरे में। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम अ रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, सभी अपने डेस्क के ऊपर उस कॉपी को रख लिए जिसमें ये चीज़ लिखा था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क्स एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, पूरा क्लास पूरी तरह से एकदम शांत थी, सभी अपने काम पे बिजी थे। एंड द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, मात्र एक की आवाज़ आ रही थी पेन के लिखने की। जब पेन से आप लिखते हैं ऐसे तो उसकी आवाज़ आती है, वही आवाज़ क्लास में बस आ रही थी, बाकी पूरी तरह से शांत था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ कीड़े मकोड़े क्लास में, बीटल्स मतलब उड़ने वाले पक्षी या उड़ने वाले जानवर, उड़ के आए।
बट नोबडी पेड अटेंशन, लेकिन किसी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कमरे में कुछ उड़ने वाले ततैया बरैया जैसे जानवर भी आए या जीव भी आए, लेकिन किसी को प्रभाव नहीं पड़ा। सब बिजी थे अपने काम में। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, न तो छोटा भी कोई भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन अ ट्रैकिंग डियर और फिश हुक्स, जैसे कि वो कोई मछली फंस जाती है कांटे में, उसी प्रकार से वो अपने काम में व्यस्त थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वह फ्रेंच ही था। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, ऊपर जो क्या होता है उसको पिजन माने कबूतर, कबूतर जो होता है वो आवाज़ कर रहा था, और उसकी आवाज़ सुनकर ऐसे लग रहा था कि वो भी फ्रेंच में ही बात कर रहा। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, विल दे मेक देम सिंग जर्मन, क्या ये बाद में जर्मन में सिंग करने लगेंगे, अभी तो ये फ्रेंच बोल रहे हैं, क्या बाद में पिजन जर्मन भाषा में सिंग करने लगेंगे। इवन द पिजन के बारे में ऐसे उसके मन में प्रश्न उठता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट द वन थिंग्स देन एट अनदर। मैंने देखा एम हैमल को, एमल हैमल्स बिना किसी भावना के कुर्सी पर बैठे हुए थे। ऑन दिस एंड अनदर एज ही वॉन्टेड, और एक दूसरे को देख रहे थे। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे उनके दिमाग में कोई चीज़ छप गई होगी। हाउ एवरी थिंग लुकड इन द लिटिल स्कूल रूम, उस कमरे में ऐसा सब कुछ दिख रहा था फैंसी फॉर 40 ईयर। वो देख रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें 40 सालों से कुर्सी मेज थे वो सब चमकदार दिख रहे थे। दे आर इन द सेम प्लेसेस, अपनी जगह में थे, जबकि फिर भी उन्हें अच्छे लग रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, वो अपनी कुर्सी में बैठे बैठे, देखिए भावनात्मक शब्द है बच्चों, वो अपने कुर्सी में बैठे बैठे बाहर के नज़ारे को देख रहे थे। उस विंडो के सहारे जो उन्होंने गार्डन लगाया था, उस गार्डन को वो निहार रहे थे और उसको देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क दैट बेंचेस हैड बीन वॉर्म स्मूथ, सारी चेयर बेंचेस एकदम स्मूथ लग रही थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, उनका लगाया हुआ वॉलनट का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया था, खूब लंबा हो गया था, वो देख रहे थे। एंड द होप बाइन, होप बाइन मतलब लताएँ जो थी लगाई थी, प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन, जिसको उन्होंने खुद लगाया था। अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, वो खिड़कियों से चढ़ती हुई छत तक जा रही थी। उनके गार्डन की जो दृश्य के बारे में बता रहे हैं जो एम हैबल तैयार किए थे स्कूल के बाहर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, उनका दिल टूट रहा था और फ्रेंड्स खुद दुखी हो रहा था कि वो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बनाई और उसको छोड़ करके उन्हें जाना पड़ेगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स टू हियर, मैं सुन सकता था पिछले कमरे में जो कि उनकी बहन थी वो पैक कर रही थी ट्रंक, मतलब संदूक वगैरह, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वो पक्का ही इस शहर को या इस देश को छोड़ करके चले जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन सबसे कठिन जो था मेरे लिए वो ये सुनना कि यह पाठ मेरे लिए लास्ट है, अंतिम है। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम इतिहास की कहानियों में आए। एंड देन ही द बेबीज चैंटेड द बा बी बी बो बू की आवाज़ आने लगी। डाउन द अर्स एट द बैक ऑफ द रूम्स होल्ड ओल्ड हाउसर, जो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे उस गांव के प्रधान, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल, उन्होंने अपने चश्मे को उठाया, चश्मे को लगाया, हिज प्राइमर अपनी छोटी सी किताब जो कि कक्षा एक की थी, बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों में लिए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम और एक एक अक्षर को स्पेलिंग पढ़ने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज अ क्राइंग, आप देख सकते थे, मैं देख सका कि वो रो रहे थे। His voice trembled, उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। आप देख लो ना, कोई आदमी रोने लग जाता है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो वो भावना में भीग चुके थे, उनकी आवाज़ थरथराने लगी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं हंसना चाहता था और लगता था कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, उनकी आवाज़ से पता ही नहीं चल रहा था। आ हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट्स लास्ट लेसन, इस प्रकार यह मुझे अंतिम पाठ याद रह गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब चर्च की घंटी जो बजती है समय पर वो 12 बज गए थे। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, उसी समय ट्रम्पेट मतलब होता है सुर ताल बाजा, ठम्प डम्प नहीं करते 15 अगस्त वगैरह को,
वो लेकर के पर्सिया के सोल्जर वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि वो ड्रिल कर रहे थे ना स्वामिल में, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल्स, ड्रिल मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके, साउंडेड अंडर अवर विंडो, जिसकी आवाज़ खिड़कियों से होकर के कमरे तक आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, शिक्षक एम हेमल जी वहाँ पे खड़े थे, वेरी पेल, उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया पीला पड़ा हुआ था। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक टू स्टिल, मैंने उनको कभी ऐसा देखा नहीं था। माई फ्रेंड सेड ही, मेरे दोस्त कहते हैं, बट आई समथिंग चोक्ड हिम, हमें ऐसा लगता है ही कुड नॉट गो ऑन, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, वो जा सकेंगे अब। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of चाक, फिर उन्होंने चाक को देखा और ब्लैक बोर्ड को, और एक छोटा सा चाक का टुकड़ा उठा करके, एंड बियरिंग ऑन द विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे संभावना को समेट करके, ही रोट लार्ज एज अ कुड, जितना बड़ा हो सकता था, एज अ कुड जितना बड़ा हो सकता था, उन्होंने लिख दिया वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब फ्रेंच में होता है जिंदाबाद फ्रांस या अमर रहे फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सा झुकाया, एंड विथाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलते हैं, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, क्लास ख़त्म हो गई है, अब तुम जा सकते हो। बच्चों ये रहा चैप्टर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।